हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। कल लियो ने पांचवां दिन कंप्लीट करके आज छठवें दिन में एंट्री मार ली है और यहां पर हेटर्स जो हेट फैला रहे थे कि लियो डिजास्टर है, लियो के फेक कलेक्शन है, लियो वृद्धि है, पिट गई, जो भी मतलब जिस हद तक वो ट्रॉल कर सकते थे, कल का वो बहुत इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि कल से क्या था, मंडे वर्किंग डे स्टार्ट हो गए थे और आज भी वर्किंग डे है। लेकिन हुआ ये कि कल वर्किंग डे तो था बट फ्लेक्सिबल हॉलीडे भी चल रहा है, कहाँ दशहरा का हॉलीडे चल रहा है, दैट्स वाई कि कमाई में उतना ज़्यादा डिप देखने को नहीं मिला। लेकिन इस चीज़ का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि यार देखते हैं संडे तक तो ये अच्छी खासी कमाई कर ही लेगी, लेकिन असली औकात तो मंडे को पता चलेगी क्योंकि असली परीक्षा की घड़ी होती है वर्किंग डेज। वर्किंग डेज में मूवी कैसी कमाई कर रही है, कैसी नहीं कमाई कर रही है, इस पे सब नज़र गड़ाए रहते हैं, खासकर हेटर्स, खासकर क्रिटिक्स में जो कमियां निकालते हैं। तो भैया उनको ना मुंह तोड़ जवाब मिल गया है, आप वर्किंग डे ले आओ, हॉलीडे ले आओ, ये मूवी फाड़ के जाने वाली है और लिख के ले लो, ये करने वाली है कमाई और ज़बरदस्त तरीके से करने वाली है कमाई। तो भाई साहब वीस्ट और बारिसू जो थालापति विजय की प्रीवियस मूवी हैं, इनको तो इसने खदेड़ ही दिया है, ज़बरदस्त तरीके से खदेड़ दिया है। इसी के साथ अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, लेकिन उससे पहले एक बार एक नज़र स्टार कास्ट में मान लेते हैं जो इस मूवी को चार चांद लगाया है। स्टोरी लाइन लोकेश कनगराज, मैं कह रहा हूँ इसने धमाका फाड़ दिया है। स्टार कास्ट में त्रिशा कृष्णन मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, जिसने सेकेंड लीड का बड़ा अच्छा काम किया है थालापति विजय के साथ। उसके बाद विलेन के रोल में हमें दो बेहतरीन जबरदस्त स्टार देखने को मिले एंड थर्ड वन इज ऑल्सो अ सीरियल किलर, संजय दत्त और अर्जुन सारजाओ, क्या रोल प्ले किया है इन्होंने और जबरदस्त। एक एलसीयू कनेक्शन इन्होंने लास्ट में बैठाया जिसमें रोलेक्स की एंट्री दिखाने की कोशिश करी गई है, वो देखा जाएगा नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन भाई साहब एक्शन के मामले में ये मूवी आपकी सोच बदल देगी, एक्शन इस लेवल का मिल सकता है, एक्शन में इतनी वर्सिटैलिटी देखने को मिल सकती है, भाई साहब दिस इज ऑसम। दूसरा बात अगर लोकेश कनगराज के एलसीयू की करें तो विक्रम से थोड़ा स्टोरी और कंटेंट के मामले में थोड़ा सा 18-20 का फर्क, मतलब थोड़ा सा कम बताया जा रहा है, लेकिन मूवी ऑसम फाड़ के जा रही है, एक्शन के मामले में बाप है। तो बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, ओपनिंग बहुत सॉलिड करी है और साउथ की मूवी ओपनिंग जबरदस्त करती है। जिस मूवी की हाइप बहुत ज़्यादा होती है ना, वो फर्स्ट डे बहुत सॉलिड ओपनिंग करती है, बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन लेके आती है। फर्स्ट डे पूरी दुनिया से 148 करोड़ का कलेक्शन आया। डे टू की बात करें तो दूसरे दिन भी जबरदस्त कमाई करी है, पूरी दुनिया से 70 करोड़ आया। साउथ इंडस्ट्री की मूवी, तमिल इंडस्ट्री की मूवी फर्स्ट डे बहुत अच्छी ओपनिंग लेती है, लेकिन सेकंड डे से इसकी ग्रोथ कॉन्स्टेंटली थोड़ा स्लो आ जाती है, उसके बाद कॉन्स्टेंटली अपने आने वाले 8 से 10 दिन तक वही कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ रहती है, जो हमें कल को 5th डे में भी देखने को मिला और आज 6th डे में भी देखने को मिल रहा है। तो सेकंड डे कितनी कमाई करी, 70 करोड़ पूरी दुनिया से, और पहले दो दिन में ही ये मूवी 200 करोड़ के आंकड़े को टच कर चुकी थी। डे थ्री की बात करूं तो डे थ्री में ये मूवी तमिल से 32 करोड़ 90 लाख कमा चुकी थी और नेट इंडियन कलेक्शन तीसरे दिन का इस मूवी का हो चुका था 39 करोड़ 80 लाख और ये मूवी पहले तीन दिन में 290 करोड़ के मार्वलस आंकड़े को अपने खाते में रख चुकी थी पूरी दुनिया से कलेक्शन के मामले में, जिसमें से सिर्फ तमिल से 110 करोड़ आया था और नेट इंडियन कलेक्शन पहले तीन दिन में ही 140 करोड़ ये मूवी कर चुकी थी। बात करें डे फोर की, यानी परसों संडे, कैसी ग्रोथ रही थी भाई साहब, संडे में आग फाड़ दी, जबरदस्त कमाई रही। तमिल से 35 करोड़ 30 लाख, तेलुगु से 3 करोड़ 50 लाख, कन्नड़ा से आया 15 लाख, हिंदी से आया 2 करोड़ 60 लाख, टोटल नेट इंडियन कलेक्शन हुआ 41 करोड़ 55 लाख का, ग्रॉस रहा 39 करोड़, ओवरसीज से आया 25 करोड़ और पूरी दुनिया से ये मूवी डे फोर में 74 करोड़ की कमाई करी है पूरी दुनिया से, ह्यूज इनकम मैं कह रहा हूँ। इसी के साथ पहले चार ही दिन में तमिल से हो चुका था 145 करोड़ 30 लाख, नेट इंडिया से हो चुका था पहले चार दिन में 181 करोड़ 55 लाख, टोटल ग्रॉस कलेक्शन हो जाता है पहले चार दिन का, मतलब परसों एंड ऑफ द डे तक का 213 करोड़ और ओवरसीज से आ चुका था 150 करोड़ और पूरी दुनिया से 364 करोड़ के मार्वलस आंकड़े को अपने खाते में रख चुकी थी। बात करें कल यानी डे फाइव, यानी मंडे वर्किंग डे, फ्लेक्सिबल वर्किंग डे, क्योंकि दशहरा हॉलीडे चल रहा है तो सम ऑफ प्लेस में हॉलीडे भी चल रहे हैं, सम ऑफ प्लेस में वर्किंग चल रही है, मतलब काम चल रहा है लगातार, लेकिन उसके बावजूद ये मूवी जबरदस्त कमाई करती नज़र आई है। संडे हॉलीडे में भी अच्छा कमाई करती नज़र आई, कल मंडे में भी अच्छी कमाई करती नज़र आई है।
मतलब हेटर्स का ना मुंह उतर गया, क्योंकि इस दिन का बड़ा इंतजार कर रहे थे कि भाई साहब यहाँ से जैसे ही हमें थोड़ा स्लो देखने को मिल जाएगी इनकम, हम इनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे, हाथ धो के क्या नहा धो के पड़ जाएंगे कि यार देखो हम बोल रहे थे मूवी बेकार है, डिसास्टर है, देखो अब ये कमाई ही नहीं कर रही है वगैरह वगैरह, जितना जितना हद तक ट्रॉल कर सकते हैं उस हद तक ये ट्रॉलिंग चल रही है। तमिल से कल आता दिखाए 20 करोड़, तेलुगु से 3 करोड़, कन्नड़ा और हिंदी लैंग्वेज को मिलाकर 2 करोड़, नेट कलेक्शन नेट इंडियन कलेक्शन कल हुआ था 25 करोड़ का, ग्रॉस रहा 30 करोड़, ओवरसीज से लगभग में लगभग 10 से 12 करोड़ आता दिखाया और पूरी दुनिया से ये मूवी 40 करोड़ की कलेक्शन करते नजर आई है। भाई साहब देख रहे हो ह्यूज कलेक्शन, मंडे वर्किंग डे में भी 40 करोड़ कमाना यार एक साउथ इंडस्ट्री की मूवी के लिए। तमिल मैं कह रहा हूँ ना बहुत लिमिटेड लैंग्वेज इंडस्ट्री है ये, लेकिन उसके बावजूद भी देखो आप मंडे वर्किंग डे में भी 40 करोड़ की कमाई कर रहे हो, ऑसम, दिस इज ऑसम। 5 दिन में तमिल से हो जाता है 165 करोड़ 30 लाख और नेट इंडिया से हो जाता है चारों लैंग्वेज को मिला के 206 करोड़ 55 लाख, ग्रॉस कलेक्शन 243 करोड़, ओवरसीज से आ गया था 160 करोड़ और पूरी दुनिया से ये मूवी 404 करोड़ के मार्वलस आंकड़े को कल एंड ऑफ द डे तक अपने खाते में रख चुकी थी। पहले 5 ही दिन में पूरी दुनिया से 400 करोड़ के क्लब में एंट्री मारना भाई साहब फास्टेस्ट ग्रोइंग मूवी, फास्टेस्ट ग्रॉसर, मतलब तमिल इंडस्ट्री की कोई भी मूवी इतनी तेज़ी से तो कमाई करते नज़र नहीं आई। साथ में इस मूवी ने सिर्फ तेज़ी से कमाई ही नहीं करी है, तेज़ी से 400 करोड़ के आंकड़े को भी टच किया है। बहुत से मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन नहीं होते हैं, वारिसु और बीस्ट ये मूवी बहुत ब्लॉकबस्टर रही है, लेकिन इन दोनों के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी मिलाएं तो इस मूवी के 5वें दिन तक के मतलब कल एंड ऑफ द डे तक के लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को नहीं बीट कर पाएंगी। बहुत ऑसम, बहुत फार, मतलब इसकी जो हाइप चल रही है सॉलिड हाइप चल रही है, ऑसम हाइप चल रही है। बात करें आज यानी ट्यूजडे यानी 6th डे कैसी ग्रोथ चल रही है, तो आज भी वर्किंग डे है बट वही चीज़ कि दशहरा हॉलीडे चल रहा है तो इसका भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी तरीके से फ़ायदा भी मिल रहा है। दूसरा मूवी कोई विदाउट कंपटीशन नहीं चल रही है, बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। रवि तेजा जैसी दिग्गज स्टार की फैन फॉलोइंग बहुत ही ऑसम है, उनकी टाइगर नागेश्वर राव अलग चल रही है, उधर भगवंत केसरी मूवी वो अलग चल रही है। दूसरा अगर नॉर्थ बेल्ट में आ जाएँ तो यहाँ पर यारियाँ 2 चल रही है, गणपत चल रही है, तो भाई साहब कहीं ना कहीं जवान तो अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है, जवान टिकट पे प्राइस कम पे कम करके अपने खाते में सोच ले ही जा रही है, तो भैया बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद भी लियो की जो हाइप है, थालापति विजय के लिए जो प्यार है, लोकेश कनगराज डायरेक्शन के लिए जो प्यार है, लोगों का ऑसम प्यार है, मस्त तरीके से वो लोग कमाई कर रहे हैं और ज़बरदस्त ग्रो कर रहे हैं। तो आज की बुकिंग अगर मैं बताऊं तो 8 करोड़ की आती दिखी है एडवांस से ही, और आज भी 10,000 से ऊपर के सोच खाते में हैं किसके, लियो के। तमिल तेलुगु हिंदी ऑल लैंग्वेज को मिलाकर ये नेट इंडिया कलेक्शन आज 22 से 23 करोड़ कमाती दिख रही है, ग्रॉस वहीं आता दिख रहा है लगभग 28 करोड़, ओवरसीज से लगभग 10 करोड़, पूरी दुनिया से आज ये लगभग में लगभग 38 करोड़ की कमाई करते नज़र आ रही है। मे बी ये कमाई 40 करोड़ पहुंच जाए बट अभी फ़िलहाल के लिए 38 करोड़ मानते हैं। तो अब टोटल पहले 6 दिन का नेट इंडियन कलेक्शन आज एंड ऑफ द डे तक कितना हो जाएगा, लगभग 230 करोड़, ग्रॉस कलेक्शन वही हो जाएगा पहले 6 दिन का 270 करोड़, ओवरसीज से हो जाएगा 170 करोड़ और पूरी दुनिया से ये मूवी आज एंड ऑफ द डे तक 442 करोड़ के मार्वलस आंकड़े को अपने खाते में रख लेगी। भाई सब ह्यूज ग्रोथ है, ह्यूज इनकम है, हो सकता है मे बी मैं कह रहा हूँ कल की और आज की दोनों डे की अभी रिपोर्ट फ्लेक्सिबल है, अगर कल भी अगर ऑफिशियली ये रिपोर्ट आई और ज़बरदस्त कमाई कर गई तो आज एंड ऑफ द डे तक स्लाइटली ये मूवी टच कर जाएगी 450 करोड़ को, 1-2 करोड़ या फिर 2-3 करोड़ का अंतर दिखेगा या मे बी टच भी कर जाए, तो भाई अगर ऐसा हो गया तो मूवी ज़बरदस्त मतलब इतिहास में अपना तो नाम लिखेगी और तमिल इंडस्ट्री को इतनी आगे ले जाने वाली है, तमिल इंडस्ट्री की ये ऐसी मूवी होने वाली है जो अनबीटेबल होगी, अनडिस्प्यूटेड होगी, ज़बरदस्त ऑसम कमाई ये मूवी लगभग में लगभग 650 या 700 करोड़ तो टच करने ही करने वाली है। इससे ऊपर निकल गई तो भाई मुझे बहुत खुशी होगी, दिल से बहुत खुशी होगी, क्योंकि आई एम ऑल्सो द ह्यूज फैन ऑफ थालापति विजय। बाय गॉड ये बंदा 50 की उम्र में आ चुका है और उसके बाद भी आप ऐसा नहीं कि हमने इनकी एक्शन मूवी नहीं देखी है, देखी हैं बहुत सी एक्शन मूवी देखी है, बीस्ट वारिसु खतरनाक एक्शन है, बट थालापति विजय का लियो में जो एक्शन का रोल है
ऑसम है। वही चीज़ गणपत में अगर हम देखें तो गणपत में कोई भी नई चीज़ नहीं है, वही बंदरों की तरह उछल कूद उस पिछली फिल्मों में है, वही बंदरों की तरह उछल कूद गणपत मूवी में है। उसके बाद VFX मैं क्या ही मतलब क्या ही उसकी और ज़्यादा बुराई करूँ। तो दैट्स वाई कि लियो के लिए इतना ज़्यादा प्यार है, क्योंकि बंदा अपने काम में इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं और बाय गॉड जो इम्प्रूवमेंट करते हैं उन्हें देखकर भी अच्छा लगता है। तो ये मूवी, अब फाइनल मुद्दे की बात करते हैं, कितना और कलेक्शन कर सकती है आपके राय से? मेरे हिसाब से 650 से 700 करोड़, आपके हिसाब से 1000 करोड़ टच कर जाएगी नहीं कर जाएगी, जो भी आपकी राय, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।